हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर आरके सर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, पिछली क्लासेस में हमने कुछ सिमिल या फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बात की थी, तो बच्चों आज थोड़ा सा उससे आगे चलने की ज़रूरत थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं वो एग्ज़ाम में बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं, जैसे सो और वेरी में क्या डिफरेंस होता है, मच और मोर में क्या डिफरेंस होता है, लिटिल और लिटिल द लिटिल में क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से कई और भी होते हैं, कई सारे छोटे छोटे से वर्ड्स ना, वो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम में परेशानी बढ़ाते हैं हमारी, तो नहीं पता चल पाता कि वो उनके यूज़ क्या थे। तो चलिए बच्चों, आज शुरू करते हैं उनमें से कुछ टॉपिक को, जिनमें कि मैंने वर्ड लिया है अभी जो अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। दिस इज़ सो एंड वेरी, इनमें क्या डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए सेंटेंस हमारे सामने ये लिखा है, सेंटेंस को चलिए एक बार पढ़ के देखते हैं। आप सभी बच्चे मेरे साथ एक बार पढ़ेंगे इसको, पढ़िए सारे के सारे एक साथ, क्या लिखा है। चलिए, तो राधिका इज फिल इन द ब्लैंक ब्यूटीफुल। अब बच्चों यहाँ पे देखा जाए तो इन चारों में से क्या लगता है कि क्या आना चाहिए। सबसे पहले राधिका इज मैनी ब्यूटीफुल, क्या ये हो सकता है। तो भाई मैनी ब्यूटीफुल तो किसी भी हालत में पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज ब्यूटीफुल खुद एक एडजेक्टिव है, और मैनी के साथ ब्यूटीफुल को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। मैनी ब्यूटीफुल तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कोई भी बच्चा काट देगा। तो चलिए, यानी कि ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। अच्छा, ये देखते हैं ज़रा मोर वाला वर्ड, अगर यहाँ मोर होता, चलिए मोर ब्यूटीफुल हो सकता है, मगर मोर तब होता ना जब कंपेयर करने के लिए कुछ और होता, कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो मोर भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मोर ऑप्शन भी कट। बच्चा सो और वेरी, चलिए बच्चों बताओ, राधिका इज सो ब्यूटीफुल या राधिका इज वेरी ब्यूटीफुल, सोचो। चलिए, तो बच्चे कई बच्चे ने दिमाग ये लगाया है, सर राधिका इज सो ब्यूटीफुल अच्छा लग रहा है, मगर कुछ बच्चे कह रहे हैं नहीं सर वेरी भी ब्यूटीफुल अच्छा लग रहा है। सो और वेरी दोनों तो बात एक ही जैसी लग रही है, सुनने में तो एक ही लग रहा है, बट भाई आंसर तो एक ही होना चाहिए ना। तो चलिए देखते हैं कि कहाँ लगाते हैं सो और कहाँ लगाते हैं वेरी। बच्चों इसी जैसा मैं एक और सेंटेंस दिखाता हूँ आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा दोनों में फ़र्क क्या होता है, कहाँ पे लगाया जाता है सो, कहाँ लगाया जाता है वेरी, इन दोनों में डिफरेंस भी पता चलेगा आपको। थोड़ा सा ध्यान से सेंटेंस को देखना। एक सेंटेंस मैंने और दिया सेम कुछ इसी तरीके का, जिसमें कि थोड़ा सा सेंटेंस को मैं आगे बढ़ाऊँगा। देखिएगा, सेंटेंस है हमारा, राधिका इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी राधिका इज डैश ब्यूटीफुल। आई थिंक ये थोड़ा सा विजिबल नहीं हो रहा होगा, एक मिनट दोबारा से लिख देता हूँ इसको साफ साफ से। राधिका इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी डज नॉट नीड एनी ब्यूटी प्रोडक्ट। सेंटेंस को पढ़िए बच्चों एक बार ध्यान से, क्या लगता है। राधिका इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी डज नॉट नीड एनी ब्यूटी प्रोडक्ट। थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं इसे, एनी ब्यूटी प्रोडक्ट। चलिए बच्चे क्या लगता है देखने में। चलिए देख रहे हैं अब बच्चों, देखो यहाँ पे बात में फ़र्क क्या था, ब्यूटीफुल यहाँ पे भी है, ब्यूटीफुल यहाँ पे भी है। देखा जाए तो बच्चों ब्यूटीफुल तक तो सेंटेंस सेम था, एक बार ध्यान से पढ़िएगा सेंटेंस को दोबारा से, राधिका इज फिल इन द ब्लैंक ब्यूटीफुल, राधिका इज फिल इन द ब्लैंक और यहाँ ब्यूटीफुल। तो बात तो दोनों में ब्यूटीफुल तक सेम थी, फ़र्क ये है कि यहाँ ब्यूटीफुल के बाद बात को आगे बढ़ाया गया है दैट लगा के, यहाँ पे वहीं पे ख़त्म हो गया है। तो बच्चों सो वाला वर्ड और वेरी वाले वर्ड में फ़र्क क्या होता है, तो बच्चों फ़र्क ये होता है, यहाँ पे मैं आपको उसका फ़र्क दिखाता हूँ, सो और वेरी में डिफरेंस क्या था। सो वाला जो वर्ड होता है बच्चों, ये एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, एक कनेक्टिव टर्म होता है, ठीक है, और ये एक एब्सोल्यूट टर्म होता है,
एक एब्सोल्यूट टर्म है। यहाँ पे सो का इस्तेमाल किया जाता है जब बात को कनेक्ट किया जाए, जबकि वेरी का इस्तेमाल किया जाता है जब बात को वहीं स्टॉप किया जाए, यानी कि उसके एब्सोल्युटली उसकी विशेषता बताई जाए। तो यहाँ पे राधिका इज डैश ब्यूटीफुल, राधिका इज डैश ब्यूटीफुल दैट शी डज नॉट ईट डैडी ब्यूटी प्रोडक्ट, यानी कि यहाँ पे बात को आगे बढ़ाया जा रहा है तो यहाँ पे यूज करेंगे सो का, और यहाँ पे बात उतने पे ही खत्म हो गई तो किसका यूज करेंगे वेरी का, यानी कि बात अगर उतने पे ख़त्म हो जाए तो हम कहेंगे वेरी ब्यूटीफुल, और अगर बात को आगे बढ़ाई जा रही है तो क्या यूज़ करेंगे सो ब्यूटीफुल। आई होप कि बातें आपको क्लियर हो रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर इससे भी ज़्यादा अच्छे से समझना है आपको, इससे भी ज़्यादा बेटर तरीके से आपको जानना है, तो बच्चों ऐसे याद रखो कि सो वाला जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है इतना, या फीमेल है तो इतनी, जबकि वेरी का मतलब होता है बहुत। अब पढ़ के देख लो, तो यहाँ पे बना राधिका बहुत ब्यूटीफुल है, खूबसूरत है, जबकि यहाँ पे राधिका इतनी ब्यूटीफुल है कि उसे किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, यानी यहाँ पे इतनी। अब जैसे सेंटेंस हम बोलते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, तो आई एम सो हैप्पी या वेरी हैप्पी, बोलचाल में हम सो हैप्पी भी बोल देते हैं, तो आई एम सो हैप्पी गलत, आई एम वेरी हैप्पी होना चाहिए। अगर ये कहें कि मैं इतना खुश हूँ कि मैं किसी को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, तो आई एम सो हैप्पी दैट आई कांट एक्सप्रेस, यानी कि अगर बात को उतने पे ख़त्म कर दे तो वेरी, बढ़ जाए तो सो, ठीक है। हिंदी के टर्म से भी आप इसको सीख सकते थे। आई होप कि अब चीज़ें कि आपको क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों अगर आपको ये नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 5 सेकंड के अंदर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आई होप कि आपने चीज़ें समझ ली होगी। तो बच्चों इसी तरीके से और भी अब कंटिन्यू मैं आपको और चीज़ें बताता जाऊंगा, और भी छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं एग्जाम में, तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे, नमस्कार सर।